गाइस कॉल रिकॉर्डिंग जो फीचर्स होता है वो एक प्रकार से काफ़ी अच्छा फीचर्स होता है और हर स्मार्टफोन यूजर्स अपने स्मार्टफोन में इस फीचर्स को चाहता है। तो इसलिए कई सारी स्मार्टफोन कंपनीज क्या करती हैं कि अपने स्मार्टफोन में प्री डिफॉल्ट इस फीचर्स को देती हैं, और जिन लोगों के पास ये फीचर्स नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके थ्रू अपने स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, क्योंकि 11 मई से आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी प्रकार से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। और क्यों कर दिया गया है, क्या है रीजन, क्योंकि काफ़ी सारे लोग दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स को उपयोग करते हैं, तो आप भी दोस्तों यदि इसका यूज़ करते हैं वीडियो के एंड तक जरूर से देखिए, काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो कॉल रिकॉर्डिंग की जाती है वो यहाँ पर लीगल है या फिर इलीगल है। गाइस यहाँ पर इसको लेके एकदम क्लियरिटी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देशों में कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल होता है, कहीं कहीं पर लीगल होता है, और कहीं कहीं पर आपको यूजर्स को बताना होता है कि उसकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। अब इंडिया में दोस्तों जैसे पुलिस वगैरह जो उनको कॉल टैप करनी होती है तो उनको क्या है कि वो इसी तरीके से टैप नहीं कर सकते, उनको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद वो लोग कॉल टैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जनरली देखा जाए तो हर एक यूजर्स पर स्मार्टफोन उसमें कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स है, तो वो जो भी कॉल कर रहा है उनको बड़ी आसानी से दोस्तों रिकॉर्ड कर सकता है। इससे एक दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम निकल के आती है वो ये है कि सामने वाले यूजर्स को नहीं पता उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइवेसी कंसर्न सामने निकल के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है वो सामने वाले को नहीं पता, उसकी नॉलेज में नहीं है, और फिर दोस्तों उसको बिना बताए कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो यहीं पर दोस्तों मेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए, इसी प्राइवेसी कंसर्न को देखते हुए अब आगे चल के क्या होने वाला है, 11 मई से चाहे आपके स्मार्टफोन में कोई कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स हो या फिर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, वो सभी अब बैन हो जाएंगे, वो सभी बंद हो जाएंगे। यदि आपके स्मार्टफोन में ये फीचर्स है तो आपके स्मार्टफोन में एक अपडेट आएगा, जब तक नहीं आता तब तक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और आपके स्मार्टफोन में एक अपडेट आएगा और उसमें दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया जाएगा। यदि आप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो उनमें भी दोस्तों अपडेट आएगा, और जैसे आप अपडेट करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर्स है वो बंद हो जाएगा। आप अपडेट नहीं करते हैं तो एक टाइम को तो एप्लीकेशन यहाँ पर पुराना वर्जन हो जाएगा और वो सपोर्ट करना बंद कर देगा। अब गाइस यहाँ पर मेन चीज़ है कि सोल्यूशन क्या है। गाइस अब कॉल रिकॉर्डिंग को तो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सामने वाले यूएस को बता के की जाए, मतलब आपके स्मार्टफोन जो भी एप्लीकेशन रहेगा वह प्री डिफॉल्ट भी यदि कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स रहेगा तो वहाँ पर सबसे पहले जब आप उसको ऑन करेंगे तो सामने वाला जो यूजर्स को जो कॉल पर आपसे बात कर रहा है उसको पहले ये बताया जाएगा कि हाँ आपकी कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है, उसके बाद ही शायद ये कॉल रिकॉर्ड हो पाएगी। सो गाइस बाकी अब देखते हैं आखिर आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये है कि 11 मई से आपके स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर बंद होने वाला है। सो गाइस आप बताइए आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और वीडियो पसंद आया होगा। सो आपसे मिलता हूँ मैं अगले दिन, बाय बाय।